आज हम बनाएंगे वड़ा पाव चटनी। बहुत ही वर्सेटाइल है ये। नमस्कार, सोनालिका गौमे किचन में आपका स्वागत है। ये वड़ा पाव की चटनी है। बनाना बहुत आसान है और काफ़ी समय तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। वड़े पाव के अलावा आप डोसे, चावल या साइड डिश के रूप में इसका आनंद ले सकते हैं। और इसी तरह की नई रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से दबाएं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सूखे नारियल को ग्रेट करने से। तो यहाँ पे हमने कोपरा ले लिया है, उसको हम करीब आधा लेंगे और ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट करने के लिए हमने पतले वाले ग्रेटर का उपयोग किया है। बिल्कुल इस तरह से आपको ग्रेट करना है। इस बीच पैन को हमने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, जिसमें हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो आधा नारियल हमारा ग्रेट हो गया है, इस तरह से हमने इसको ग्रेट कर लिया है। अब जब पैन गर्म हो जाए तो नारियल के कोपरे को आप बिल्कुल ड्राई रोस्ट करने के लिए डाल दें। इस पे धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करें, क्योंकि ये काफ़ी फ्लेकी है। तेज आंच पे ये जल जाएगा और इसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा, फ्लेवर भी बहुत बढ़िया लाना हो तो धीमी आंच पे आप इसको फ्राई करें, ड्राई रोस्ट करें। ये देखिए बहुत बढ़िया आप कलर ये आने लगा है, बिल्कुल बढ़िया डार्क ब्राउन कलर आ जाए ऐसा वाला, तब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडे होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम सूखी लाल मिर्च को ले लेते हैं, इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। सभी सामग्री के पकने का समय अलग होता है, इसलिए इसको बिल्कुल अलग-अलग आप भुने, नहीं तो कुछ सामग्री जल जाएगी और कुछ कच्चा रह जाएगा, तो आप इस बात का ख्याल रखें। इसलिए सभी को हम अलग-अलग भुनेंगे। तो मिर्ची बहुत अच्छा रंग आ गया है ये देखिए, तो ये हमारा रेडी हो गया। इसके बाद हम कच्ची वाली मूंगफली डालेंगे। तो ये मूंगफली भुनने में थोड़ा समय लगेगा, 3 से 4 मिनट में धीमी आँच पे ये बिल्कुल बढ़िया सा ब्राउनिश कलर आ जाएगा ऐसा वाला, तब हम इसको निकाल लेंगे। और उसके बाद हम लहसुन को लेंगे। तो एक लहसुन को हमने छिलकों के साथ लिया है। छिलकों के साथ लेने से इसका टेक्सचर जो है चटनी का बहुत अच्छा आता है। तो इसको आप इसी तरह से भून लें, ड्राई रोस्ट कर लें और ऐसा कलर आ जाए तो इसको आप निकाल लें। अब इसके बाद हम बारी बारी से इसको ब्लेंडर में डालेंगे और पीसेंगे, ब्लेंड करेंगे। तो पहले मिर्ची को डाल लें, ये थोड़ा समय लेता है, ये देखिए पहली बार में अच्छे से पिसा नहीं, तो हम इसको एक बार फिर से चलाकर पीसेंगे। अब ये पिस गया है तो इसमें हम लहसुन डाल लेंगे और इसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा ये पिस गया है। तो इसके बाद मूंगफली डाल लें, इसका भी ये क्रम होना जरूरी है, इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है चटनी का और बहुत अच्छे से ये पीस भी जाता है। उसके बाद नारियल डाल लें। नारियल के बाद हम कश्मीरी चिली पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, साथ ही साथ नमक स्वादानुसार डाल लें इसमें आप। अब हम इसको पीसेंगे फिर से, तो इसको पीसे, थोड़ा सा मिर्ची कम लग रहा है तो थोड़ा और डाल लेते हैं। कुल मिलाकर 2 चम्मच हमने कश्मीरी चिली पाउडर यहाँ पे दिया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी वड़ा पाव चटनी तैयार है। और ये बहुत वर्सेटाइल है, इसको आप 1-1.5 महीने एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख ले तो आप वड़ा पाव के अलावा डोसा, चावल, इडली, किसी भी चीज़ के साथ साइड डिश के रूप में इसका आनंद लें। और इसी तरह की नई रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।